जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति महोदय। 18वीं लोकसभा के निर्वाचन के बाद और इस नए संसद भवन के बनने के बाद आज मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभापति जी, सबसे पहले सद्य नेताजी को मैं नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने संघर्ष, अपनी हिम्मत, साहस और अपने पूरे जीवन की तपस्या समाज के उत्थान के लिए, देश और उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए और समाज के हर व्यक्ति की तरक्की और खुशहाली के लिए उन्होंने जो अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनको नमन करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, सद्य नेताजी ने हम लोगों को अपने समाजवादी विरासत में इंसाफ और इंसानियत, न्याय और हक की लड़ाई करना सिखाया है। उस लड़ाई को हम लोग बखूबी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से उस विरासत को न केवल लड़ रहे हैं, बल्कि नेताजी के हर सपने को पूरा करने तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। सभापति महोदय, बजट एक व्यापक विषय है और जब इस विषय के बारे में सोचते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, क्योंकि देश में आज कोई वर्ग नहीं बचा है। कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों में से कम 95% लोग ऐसे हैं जो आज पूरी तरह से बर्बाद है। एनडीए की यह सरकार 11वां बजट पेश कर रही है, लेकिन इस 11वें बजट के बावजूद अगर मैं देखता हूं तो समाज की जो गरीबों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, स्वास्थ्य का है तो स्वास्थ्य 2023 और 24 में बजट घटा दिया है। किसानों का बजट जहां यूपीए के सरकार के समय 2014 तक 5.5 था, वहीं 24 आते आते ये 3.15 रह गया है। शिक्षा का बजट जहां 2013 में 4.77 था, आज 23-24 आते आते ये 2.5% रह गया है। इसी तरह से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, सभापति महोदय, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये जो बीजेपी की एनडीए की सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, जितनी भी अगर उपाधियां दी जाएंगी सभापति महोदय, वो कम हैं। और मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं उदाहरण सहित आपको जब नंबर आए तो बोल देना, और हमें पता है आपका नंबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी में, ये भी पता है हमें। सभापति महोदय, सद्य नेताजी ने हमेशा कहा है कि चुनाव में या जनता के बीच किया हुआ वादा अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो वो भी एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार में अगर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो बीजेपी की और एनडीए की सरकार ने बनाया है। सभापति महोदय, 2014 के चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी ने वादे किए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। स्वामीनाथन जी, जिनको भारत रत्न दिया है सरकार को, मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन वो धन्यवाद अधूरा है जब तक उनकी सिफारिशों को नहीं मानते हो। 2007-08 से लगातार मांग चल रही है देश में कि स्वामीनाथन जी की जो सिफारिश है किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का, एमएसपी की गारंटी देने का, कानूनी हक और अधिकार देने का, उस गारंटी को आज तक नहीं माना स्वामीनाथन जी को, आज तक नहीं माना। अदा जी, डिस्टर्ब ना करिए सभापति महोदय, मेरा टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। आप इधर, अरे यार, बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। बेईमान हो। चलो, स्वामीनाथन जी की आपने नहीं मानी, एमएसपी आपने लागू नहीं की, कितनी बढ़िया बातें कि खाद पे हम सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, पहले 50 किलो को 45 किलो, फिर 45 किलो को 40 किलो,
और मुझे लगता है कि एक तीसरा कार्यकाल पूरे होते होते केवल 10 ही किलो बचेगा, खाद के कट्टे में इससे ज्यादा नहीं बचेगा। मंडी एक नहीं बनाई, आत्महत्या इतनी कर रहे हैं किसान। और किसान अगर अपनी MSP की मांग करते हैं, हजारों किसान यही दिल्ली की सीमा पर मारे जाते हैं, और आप सोचते हो कि आपकी बात को कोई समझेगा नहीं। सभापति महोदय, नौजवानों को कितना गुमराह किया गया, नौजवानों से कह दिया गया हर साल 2 करोड़ रोजगार। मैं आज सवाल पूछता हूं अपने नौजवानों की ओर से, बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार में बैठे लोग, 10 साल आपने राज कर लिया है, आखिर 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार कहां है? अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। 20 करोड़ नौजवान के रोजगार का हिसाब कहां है? आज 11वें बजट में जब याद आई तो वो भी ट्रेनिंग की बात करते हो। मैं कहना चाहता हूं IIM IIT के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आप सोच रहे हो इंटर्नशिप के इस छोटे से सुगुफे से नौजवान खुश होंगे? देश के नौजवान खुश होने वाले नहीं है। सभापति महोदय, शिक्षा के मसले पर लगातार बजट घटाया जा रहा है, लगातार सरकारी शिक्षा कम की जा रही है, और ये BJP की सरकार की लगातार प्रयास है कि नौजवान शिक्षित होंगे तो सवाल पूछेंगे। देश की JNU से लेके BHU से लेके MU से लेके जितने बड़े संस्थान हैं, सारे संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। एक भी दलित, एक भी पिछड़े, कहीं आपका वाइस चांसलर नहीं है। लगातार जितने भी आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में RSS का जब तक कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं करेगा, बेसिक कोर्स, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं होगी। आप क्या सोच रहे हो देश नहीं देख रहा है नौजवान? UGC का बजट लगातार कम किया जा रहा है। मेरा खुला आरोप है इस सरकार पर कि ये सरकार शिक्षा को प्राइवेट करके, शिक्षा को मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथों में देके, शिक्षा को चुनिंदा लोगों के हाथ में देके, देश के 140 करोड़ जिसमें मैं समझता हूँ 90% लोग गरीब हैं, उन गरीबों के हाथों से शिक्षा को छीनने का ये जो आपकी सरकार षड्यंत्र कर रही है, इसके लिए हम लोग इस मौके पे विरोध करते हैं। लगातार फीस बढ़ा रहे हैं, शिक्षकों की कमी है, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो, सामाजिक असमानता। सभापति महोदय, 2014 में जिस समय सरकार बनी थी NDA की, उस समय देश की जितने भी जो आर्थिक चीज़ें थी, जो वेल्थ थी, उसमें पिछड़ों की हैसियत 17% थी, और आज 10 साल की NDA की सरकार के बाद पिछड़ों की आर्थिक हैसियत हो गई है केवल 9%। मैं कहना चाहता हूं चुनौती के साथ, वित्त मंत्री अपने जवाब में बता दें, अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति देश में अरबपति हो तो बता दूं, एक भी दलित को अरबपति आपने बना दिया हो तो बता दो, एक भी पिछड़े को बना दिया हो तो बता दो, आप जवाब में दे देना, हमारी दबाव नहीं रुकेगी। सभापति महोदय, जब जब बीजेपी के लोग विपक्ष में रहे तो OPS की बातें किए, 10 साल से आप सत्ता चढ़ा रहे हो, 11वां बजट पेश कर रहे हो, पूरा देश आज OPS के लिए सरकारी कर्मचारी परेशान है, कहीं OPS की चर्चा नहीं है, पुरानी पेंशन की कोई चर्चा नहीं है। सभापति महोदय, पुरानी पेंशन तो पुरानी पेंशन हम मांग करते हैं, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आप बनते हो, मैं मांग करता हूं देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप पुरानी पेंशन दीजिए, मैं मांग करता हूं। आप राष्ट्रभक्त हैं ना, सीमा पे जो सुरक्षा कर रहे हैं, जो सादत झेल रहे हैं, मेरी मांग है कि आप उनकी OPS दीजिए, वो आप OPS नहीं दे पाओगे। इसी तरह से सभापति महोदय, देश के अंदर बहुत से ऐसे संविदा कर्मचारी, एक से एक बढ़िया फार्मूला, अब कानूनन मंडल आयोग लागू हो गया तो कैसे पिछड़े दलितों को रोके, तो संविदा कर्मी की प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट आपने आउटसोर्सिंग कर दी, आउटसोर्सिंग के कारण से देश के सारे दलित, सारे पिछड़े, सारे आदिवासी आपकी सेवाओं से बाहर हो गए, उनके पास कोई कानूनी हक नहीं। तो ये जो आरक्षण को खत्म करने के तरह तरह के जो आप लोग षड्यंत्र अपना रहे हो, इस षड्यंत्रों को देश का जनमानस पूरी तरह से जान भी चुका है, पहचान भी चुका है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश से तो आपको कर ही दिया है बाहर, देश से भी बाहर जल्दी करेंगे, और हमारे साथी मिलकर दूसरे प्रांतों से भी बाहर करेंगे। इसी तरह सभापति महोदय, हम मांग करते हैं, आप सोचिए उत्तर प्रदेश अकेले के अंदर, देश के हालात मुझे नहीं पता और बदतर होंगे, अकेले उत्तर प्रदेश में 1000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र
आत्महत्या कर चुके सभापति महोदय। कोई सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अनुदेशकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है समय से, कोई मतलब नहीं। आंगनबाड़ी महिलाएं परेशान हैं, इनको कोई मतलब नहीं। सभापति महोदय, आपकी आशा बहुएं, आपकी ये रसोईया महिलाएं, आपकी आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, मैं समझता हूं सभापति महोदय यहां बैठे हर सदस्य के पास इनके क्षेत्रों का ये डेलीगेशन जरूर मिलता होगा और मांग करता होगा कि कम से कम हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमें स्थायी किया जाए। सभापति महोदय, इसके लिए सभापति महोदय मेरी पार्टी के किसी भी मेंबर से हम नंबर कम कर लेंगे, टाइम मेरा टाइम बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, कोई भी मेंबर हमारे लिए दे देंगे टाइम, हम लोग इसलिए। सभापति महोदय, इन सभी समस्याओं के इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनका समाधान करिए, और नहीं समाधान करेंगे तो अभी तो बैसाखी पे बन गए बिहार और आंध्रा को पैकेज देके, देखें फिर देश में कितने राज्यों को पैकेज दे पाओगे। अरे वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश से आते हो, इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। इतना अयोध्या से नफरत हो गई, अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए, आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया सभापति महोदय। इसे मैं आज इस मौके पर सभापति महोदय, देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, बुनकरों, सभी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बजट देश विरोधी बजट है। कुछ समस्याओं के लिए सभापति महोदय संवेदनशीलता के साथ मैं कहूंगा सरकार को विचार करना चाहिए। सदे नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने व्यवस्था दी थी कि देश के अंदर जो भी सैनिक शहीद हुए हैं उनको सम्मान, उनके घरों पे जाके राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हो। मैं उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक और मांग करता हूं सभापति महोदय, कि जो हमारे शहीद जिनकी अंत्येष्टि स्थल जहां कहीं भी बना हो, जिस भी परंपरा से बना हो, अरे आपको कुछ नहीं पता है, अरे यही तुम्हारे सैनिकों के लिए यही तुम्हारा भाव है सभापति महोदय। आप बोले सर। सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है अग्निवीर की योजना खत्म की जाए। ये 4 साल के सैनिक से देश की उतनी मजबूत रक्षा नहीं हो सकती नौजवानों को गुमराह करके। केवल 4 साल उन्हें दो ना, 60 साल तक रिटायरमेंट, 4 साल बाद वो कहाँ नौकरी ढूंढेंगे। इसे मेरी मांग है अग्निवीर की योजना खत्म की जाए। साथ ही साथ मेरी एक मांग और है कि जो शहीदों की शहादत स्थल है उसको शहीद स्थल के तौर पर डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त बजट देना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसी तरह सभापति महोदय, बातें बहुत लंबी लंबी की जाती हैं, थोड़ा सा मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहूँगा। आदरणीय हमारे नेता माननीय राममूर्ति वर्मा जी ने भी कहा है, माननीय लालजी वर्मा जी ने भी, जो बाढ़ की समस्या है, जो समस्या बिहार में है नेपाल से पानी छोड़ने की, वही समस्या उत्तर प्रदेश की भी है, और विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप चलिए तो खीरी से शुरू करेंगे, पीलीभीत खीरी से लेके पूरा आप चले जाइए और एकदम कुशीनगर बॉर्डर तक, बिहार बॉर्डर तक पूरी की पूरी समस्या है। घाघरा जब आती है तो मैं समझता हूँ इन जिलों के लाखों लोगों को तहस नहस करके चली जाती है। जितना विकास होता है सभापति महोदय, बरसात के समय वो सारा का सारा विकास पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए मेरी मांग है केंद्र की सरकार से कि बजट आप पास कर रहे हो तो कम से कम उत्तर प्रदेश इतनी नफरत ना करो। 2 बार तो उत्तर प्रदेश की दम पे ही बैठे थे और तब भी ये वित्त मंत्री जी हंस रहे हैं, इनके भी आता है बाढ़ तो जाती होगी महाराज, बचता तो नहीं होगा कुशीनगर, बचता नहीं होगा आपका मऊ, बचता नहीं है आजमगढ़, बचता नहीं अंबेडकर नगर, बचता नहीं बहराइच, बचता नहीं खीरी, बचता नहीं श्रावस्ती, बचता नहीं पीलीभीत, बचता नहीं बलिया, बचता नहीं है कुशीनगर, बचता नहीं है गोरखपुर, बचता नहीं है। इतने जिले तो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभावित हैं, तो बिहार की तरह से एक विशेष पैकेज हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भी दे दो। कम से कम इतना तो कहने की हिम्मत रखो, केवल चीखने के लिए बैठे हैं सबके सब। सभापति महोदय, दूसरा एक मैं बात, हमसे पूर्व जो सांसद रहे हमारे आजमगढ़ के, बड़ी लंबी लंबी बातें की, गोरखपुर से आजमगढ़ होते हुए बनारस तक का हमने रेलवे लाइन स्वीकृत करा दिया। सभापति महोदय, मैंने जब पता किया अधिकारियों से तो सच्चाई ये है कि अभी उस पर एक भी पैसे का बजट का आवंटन नहीं है, नहीं है बजट का आवंटन। हाँ आज आप ही ने तो पेश किया बजट, आप ही तो साइन किए हो, निर्मला जी ने तो किया नहीं होगा, आप ही ने किया होगा।
तो सभापति महोदय उस पर बजट भी आए, उस पर बजट भी आना चाहिए। दूसरा सभापति महोदय, ये जो समस्या है बाढ़ वाली, मैं समझता हूँ कोई अकेले मेरी नहीं है, मेरे अकेले क्षेत्र की नहीं है, जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा इस पर जरूर गंभीरता से सोचेगा, उसको सोचे। इसी के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से इस जन विरोधी बजट का पुरजोर विरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुखदेव भगत जी, असंसदीय है मानिवर, मेरा निवेदन रहेगा। वैसे तो भाषा शैली हमें सभी को ठीक करनी चाहिए, लेकिन ये अगर कहीं ये शब्द आ गया हो, अगर कहीं ये शब्द कार्रवाई में आ गया हो, तो मानिवर निवेदन है उसे हटा दिया जाना चाहिए। देख लग।